पूरा फसल नुकसान होगा। 3 किलो कुटकी थी, 1 किलो भर धान थी और 6 किलो उड़दा, 2 किलो मक्का थी, पूरा चपाट हो गए थे, से नाला पे आए पानी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकास खंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोक के टिहरी में कुल 65 परिवार निवास करते हैं, जहां पर अंधाधुंध 2 घंटे की वर्षा होने के वजह से यहां के बहुत से किसानों की फसल नुकसान हो गई है। फसल बाढ़ आई पूरी वैसे बरसात में मतलब पानी आया था तो ले गया, खेत ले गया पूरा। फसल पूरी नुकसान हो गई, पानी पूरी पूर गई। कैसे में पूर गई पानी? पानी आई तो पूर ले गई। हिरी गांव में जो लोगों का व्यवसाय, कृषि व्यवसाय जो है, कुटकी, कोदो, मक्के, बस इसके अलावा दूसरा खेती नहीं करते हैं, क्योंकि इनका इंटीरियर क्षेत्र मतलब वहाँ पे नहीं हो पाता है, मात्र कुटकी, कोदो और मकई के अलावा दूसरा कोई फसल नहीं होता, और उनका मात्र एक ही यही फसल था जो कि बारिश हुआ और ये पूरा फसल चौपट कर गया। अब क्या करना चाहिए? खेत वाले मालिक अलग कह रहे हैं कि हमारे खेत नुकसान कर दिए कर कह रहे, तो हम कहाँ से का कर। अब कैसे करेंगे अम्मा? अब क्या खा लो हम बच्चे को, क्या पिला? अब हमारे हाथ पैर टूट रही है, अब क्या कर ले हम? इतनी तो बोए थे, अब हिल नहीं। मैं चाहता हूँ कि हिरी में जो किसानों का खेत खलियान और जो फसल चौपट हुआ है उसका मुआवजा या भुगतान शासन को करना चाहिए। आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि आप डोक पंचायत के सरपंच श्री सिरसू उइके जी से 8435614574 में बात करके उन पर दबाव बनाएं, ताकि हिर्री पंचायत हिर्री गांव में जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए उन लोगों को मुआवजा मिले। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से मैं राजीव प्रतीति, इंडिया अनहर्ट के लिए।